आई हैव सॉन्ग्स विच रीच आउट टू एवरीबडी, सबकी ज़बान पर है, ये ब्लेसिंग बहुत बड़ी बात है. तो कहीं ना कहीं आज इस मुकाम पर मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास कि अब हो गया मेरे नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो मेरे फैंस हैं मोस्टली द किड्स ऑफ 10 to 12 इयर्स ओल्ड, वो वाले जो बच्चे हैं, दे शुड नो कि दिस म्यूज़िक एग्जिस्ट्स, ये म्यूज़िक है हमारा. सो आई एम ग्लैड दैट मैं इस तरह के प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दीपक जी का. लिटरली फ़ोन पे डांटते हैं कि ये क्या है श्रेया, तो बस वही करे जा रही है, वही डू समथिंग नाउ, इट्स टाइम यू रियली डू सम म्यूजिक विच विल स्टे, विच यू विल बी प्राउड ऑफ. ये एक शुरुआत है, और जो ये एल्बम हुआ है मेरे, तो बहुत एक छोटी सी गेस्ट अपीयरेंस है, एक थोड़ी सी ठुमरी की कोशिश की है मैंने, याद किया. ये बहुत ही खूबसूरत एल्बम है. इनफैक्ट दीपक और मैं कल रात दिल्ली में थे, और वहाँ से आज सुबह ही आए, तो एयरपोर्ट से आते वक्त मैंने इसमें तीन गाने सुने, और तीनों गाने सुन करके आई वाज लाइक एक्सेप्ट, आई सेड वाओ व्हाट अ वर्क, और इट्स अ डिवाइन, बहुत ही खूबसूरत एल्बम है. तो मैं ये मेरी तरफ से मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और चाहूँगा कि ये मिरेकल जो है, ये संगीत का जादू जो है, वो पूरी दुनिया में सर चढ़ के पूरे. क्या होता है कि सीडी का कुछ ना कुछ नाम तो देना होता है जी. तो इस सीडी का नाम दिया गया है मिरेकल. ये हमारे हिंदुस्तान में एक मिरेकल कई हज़ारों साल पहले हुआ था. वो मिरेकल चाहे शिवा के डमरू से बना, या गणेश जी के पखावज से बना, या सरस्वती की वीणा से निकला, या कृष्ण जी की बांसुरी के नाद से बना. ये मिरेकल जो है, ये है हमारा संगीत, हमारी कला, हमारी प्राचीन सभ्यता. और आज जो इस प्राचीन सभ्यता और कला को उजागर रखने का जो एक काम जिनके कंधों पे पड़ता है, उनमें से एक है हमारे भैया दीपक. तो मैं ये कहूँगा कि मिरेकल के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जान के मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारा जो संगीत है वो जीवित रहेगा, और इन लोगों के कंधे पर, दीपक भैया जैसे लोगों के कंधों पर चलता रहे. बस इतना ही मैं कह सकता हूँ. थैंक यू सो मच.